अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शादियों में बनने वाला सोया कीमा, जो हमारी सोवे की भाजी होती है उससे वो बनता है कीमा, और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है और बहुत ही जल्दी फटफट बनने वाली ये रेसिपी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ 1/2 kg चिकन का कीमा ले लिया है। यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 तेज पत्ते, 2 से 3 तेज पत्ते हमें इसमें ऐड करना है, तेज पत्ते थोड़े पकने लगे। फिर हमें इसमें ऐड करना है प्याज। देखिए यहाँ पे 3 मीडियम साइज की प्याज को मैंने इस तरह स्क्वायर स्क्वायर कट कर लिया है, चौकोन कट कर लिया है। अब प्याज को हमें हल्का पकाना है, हमें ब्राउन नहीं होने देना है, हल्की हमारी प्याज पक जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कीमा। देखिए प्याज हमें जितनी चाहिए उतना हो चुका है, अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे और कीमे को प्याज के साथ 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे हम कुक करेंगे, ताकि जो कीमे का अगर कुछ भी स्मेल वगैरह है वो अच्छे से जो है वो पक जाए और स्मेल उसकी वो चले जाए। कीमे को हाई फ्लेम पे इस तरह चलाते हुए पकाना है हमें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बाकी की चीजें। हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून। अब इसे भी हम पकाएंगे कीमे के साथ मिक्स करके इस तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए हमें पकाना है। आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ये थोड़ा पक गया है 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। हमें 2 चुटकी भर के हमें थोड़ा सा इसमें हल्दी डालना है, 2 चुटकी, उससे ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अगर क्वांटिटी कीमे की ज्यादा है या कम है तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और धनिया पाउडर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के, मतलब 1 टेबलस्पून के करीब। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर 1 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, आधा चाय का चम्मच, और 1/2 टीस्पून भी हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप 3 इलायची को कूट के इसमें ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है जब तक हम दूसरा पेस्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब कोथमीर ले ली है, फ्रेश कोरिएंडर, और उसमें 5 से 6 हरी मिर्ची जो है हमें पीस लेना है और इसे पेस्ट बना लेना है। देखिए इस तरीके का पेस्ट बन गया, हमारा रेडी हो गया है। या हमारे कीमे में हम ऐड करेंगे ये पेस्ट। पेस्ट को भी हम मिक्स कर देंगे कीमे के साथ। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसे पकने देंगे। हम इसके जो है लीड लगा देंगे, ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगा के हमें इसे 10 मिनट के लिए पकाना है। 10 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा ऑयल सेपरेट हो गया होगा, मतलब हमारा कीमा जो है वो भुन गया होगा मसालों के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखिए मैंने 1 टुकड़ा जायफल लेके और इसका पाउडर बना लिया था, 1/2 टीस्पून के करीब वो पाउडर था। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी, और यहाँ पे मैंने 1 कप भर के लिया है सोए की भाजी मैंने लिया है अच्छे से वॉश करके। अब हम इसे मिक्स कर देंगे कीमे के साथ। ये शादियों में बनने वाला कीमा है, इसे अच्छे से मिक्स करके, देखिए ये हो गया है मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरा भर के, देखिए पानी, और सोए का फ्लेवर, सब मसालों का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन के कीमे में। और चिकन का कीमा देखिए थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये पानी में इस तरह पकाने से ये सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। अब देखिए पानी अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसमें। अब हम जो है इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए पकने देंगे, और 5 मिनट्स के बाद चेक करते हैं कि हमारा कीमा कितना पक गया है। देखिए चेक करते हैं, नहीं अभी भी इसमें पानी है। अब थोड़ा सा और हम इसे ड्राई करेंगे पानी को, ताकि हमारा जो कीमा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाए। देखिए रेडी है हमारा शादियों वाला चिकन का सोए वाला कीमा।
अगर आपको मेरी चिकन के कीमे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा। उससे आने वाली सबसे पहले रेसिपी आपको नज़र आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये कीमा। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।